नमस्ते, मेरा नाम सागर महाले है, मैं इंटरनल लैब से हूँ। ये हमारी सॉर्टिंग अनार की सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन लगाई है हमने अल्फा फ्रूट मार्केट। तो ये मशीन में हम अनार की सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग में मल्टीपल हम ग्रेडिंग करते हैं, तो अनार का जो ग्रेड है, जो भी मंडी वाले बोलते हैं 0 से 80 करना है, 80 से 200 करना है, 250 से 250 करना है, 250 से 300 करना है, 300 से आगे बढ़ना है। इसके अलावा हमारी मशीन में विशेषता ये है कि जो काला चट्टा आता है आपका कटन क्रैक, वो गटा फटा आता है, वो अलग कर देता है। उसके बाद में आपका डागी वाला माल आता है, वो अलग कर देता है। आपका थ्रिफ्ट वाला यानी करड़ा खड़ा आप जो बोलते हैं, वो अलग कर देता है। तो ये पूरा आप देख रहे हो, जैसे कि पूरा माल मशीन पे जो भी ट्रैक्टर से आ रहा है वो डायरेक्टली हम मशीन में डालते हैं, वो डायरेक्टली फीड होती है और जा रहा है मशीन में। जैसे आप देखोगे मेरे पैनल के पास में, तो किसान के पास में सारी चीज़ें उसको दिख जाती है कि कौन से ग्रेड है, उसको कितना परसेंटेज जा रहा है, वजन कितना जा रहा है। तो मंडी वालों को भी वो फ़ायदा हो रहा है, वजन और क्रॉस चेक करने के लिए भी हो जाता है। साथ साथ में वो लोग ग्रेड भी उनके हिसाब से कितना खड़ा रखना है, कितना क्या रखना है, वो रख सकते हैं इसके हिसाब से। आप देखोगे तो यहाँ पर वो डिफेक्ट वो कम ज़्यादा भी कर सकता है, ज़्यादा भी करेगा, बड़ा भी कर सकता है। तो कम ज़्यादा जो करना है वो काले की साइज़ डिफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे हो जो ग्रेडिंग हो रही है, वो वज़न वाली जो ग्रेडिंग है वो इस साइड में हो रही है, और जो डिफेक्ट है वो उस साइड में निकल रहा है, फटाफटा वो साइड में निकल रहा है। इसके अलावा जो सनबर्न है और आपका काला चट्टा और साइड में निकल रहा है। तो दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ आपका मंडी वालों का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यानी एक घंटे में जितना अनार आदमी कर पाता है उससे मशीन बहुत ज़्यादा कर देती है, 3 से 4 टन। जब बड़ा माल हो तो 5 टन तक भी अनार इसमें सॉर्टिंग हो जाता है, 5 से 7 आदमियों में उतना वॉल्यूम हो जाता है जितना मैनुअल में नहीं होता। एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आती है, क्वालिटी भी मेंटेन होती है, एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है, और डेफिनेटली मंडी वाले को भी बहुत सारा फ़ायदा होता है इसमें। धन्यवाद।